वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखने वाले डीपीएमएस का इंपॉर्टेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे उतना मैं फास्ट इसके सोल्यूशंस लाऊंगी जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चंस है कि एसक्यूएल क्वेरीज और रिलेशन क्वेरीज को जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, कर जाओ। ठीक है, सेकेंड ई आर डाइग्राम, एंटिटी रिलेशन डाइग्राम, इसकी भी मोर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जितने भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जितने भी हैं सारे है, उनको बनाना सीख जाओ। इसमें एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं, सो भी जो भी है वो आप कर लो। थर्ड में क्वेश्चन है कि ये T1 और T2 का जो सम होता है ना ट्रांजेक्शन का, वो वाला भी कर लो, क्योंकि ये भी हर बारी पूछ लेता है। कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड देन बस हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ सम, तो आपको जो भी ये माइनस और ये प्लस करके जो भी आंसर लास्ट में आएगा उसको आप सम बना सकते हो। इसका आंसर आई थिंक 99 होगा। ठीक है, इसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके वैल्यू कितने हैं, आपने रीड कितना करा, सम की वैल्यू क्या हुई और फाइनल आंसर्स क्या हुए, है ना, वही सारे क्वेश्चन होंगे। एंड एफडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर बार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं एज अ न्यूमेरिकल। सो डिफाइन द फंक्शन डिपेंडेंसी ये भी पढ़ लेना, और ये एफडी का जो भी रिलेशंस है वो भी प्रैक्टिस कर लेना। इससे पूछा जाता है कि क्या एजेंट और कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं, या एजेंट कंपनी प्रोडक्ट नेम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये भी, और प्रैक्टिस कर लो कमांड्स की जो भी DDL DML है, यानी जो भी है ये कवर कर लो। डेटा डिपेंडेंसी लैंग्वेज है, और ये डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज, डेटा कमांड लैंग्वेज, व्यूज, सीक्वेंस, इंडेक्स, सो ये सारी के कर लो, और ये एक्सप्लेन कर लो फाइल्स से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसिंग सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और ये फाइल प्रोसेसिंग वर्क कैसे करता है, ये सब देख लो। एंड थर्ड में ही आता है ना Relation 1, Relation 2, Relation 3, इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सारी चीज़ें क्रॉस सेक्शन पूछे जाते हैं, डिवीज़न। ठीक है, तो ये भी आप कर लो, और ये साथ में ज़्यादा ध्यान रखना कि रिलेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। 9 नंबर है कि व्हाट यू मीन बाय इंटीग्रेटेड कंसेंट, एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड कंसेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। इंटीग्रिटी रिलेटेड जितने भी हैं कंसेंटेंट, जैसे रिलेशन कंसेंटेंट है, ये सारे देख लेना। और इंसर्ट डिलीट अपडेट का एनोमलाइज जो है वो भी देख लो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंशर्ट में क्या, मैं आप लोग को बता दूँ, इंशर्ट मतलब होगा कि किस भी चीज़ को, इट इज़ अलाउड टू इंसर्ट एनीथिंग, इट इज़ अलाउड टू इंसर्ट एनीथिंग, प्रोवाइड इंसर्ट सच एज नेम, प्रोडक्ट नेम, आईडी नेम, एनीथिंग, एनी रॉ, एनी कॉलम्स। ठीक है, डिलीट इज़ वॉट, इट्स अलाउड टू एनी, इट्स अलाउड टू डिलीट ऑप्शन, आप किसी भी चीज़ को अपने रॉ या टेबल से, या रिलेशन मतलब टेबल होता है, फॉर्मल और अनफॉर्मल, आपको पता होगा इनफॉर्मल कि रिलेशन को टेबल कहते हैं, नॉर्मल वेज में टेबल कहते हैं, बट DBMS में उसको रिलेशन कहते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अपडेट फॉर किसी चीज़ को ऐड करना, ऐड किसी चीज़ को, जैसे इंसर्ट में मतलब ऐड, डिलीट मीन्स एनीथिंग यू आर हैव टू डिलीट इट, एंड अपडेट मीन्स मान लो जिसका किसी टेबल है उसमें एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय के नंबर्स हैं, सैलरी है, फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर मान लो किसी का फ़ोन खो गया तो अपडेट करना पड़ता है ना, फ़ोन नंबर चेंज हो गया होगा, तो अपडेट उसको फ़ोन नंबर को चेंज करने को अपडेट कहते हैं, यानी अपडेट, तो वो अपडेट हो गया। ठीक है, ज्वाइन इन डेब्यूमेंस, व्हाट इज़ द ज्वाइन इन डेब्यूमेंस, तो वो भी आप देख लेना। DDL क्या है, डेटा डिपेंडेंसी लैंग्वेज, और डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज, दोनों को देख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज़ द होल इज़ द लैंग्वेज, व्यू लैंग्वेज है ये, जिसके ऊपर DBMS का कोई भी कमांड क्रिएशन हो गया, टेबल क्रिएशन हो गया, डिलीशन हो गया, कुछ भी ऑल्टर हो गया, ये सब काम होता है। व्यू टेबल का एक्सप्लेन करना है ना, व्यू टेबल का जो भी डायग्राम है वो भी आप देख लेना। फ़ोन नंबर है
कि व्हाट इज़ द डेटाबेस रिकवरी। डेटाबेस रिकवरी मीन्स व्हाट, किसी भी चीज़ जो भी डेटा है उसको रिकवरी करना, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना एक्सप्लेनली। व्हाट इज़ लॉग, लॉग इज़ नथिंग बट इज़ द सीक्वेंस ऑफ फाइल्स एंड सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस इज़ कॉल्ड अ सिस्टम डेटा लॉग, डेटाबेस रिकवरी। एनालिसिस याद कर लेना, सॉरी NISI याद कर लेना। डिफरेंस बिटवीन देख लेना BCNF का और 3NF का। इनफैक्ट अब मैं ये कहूँगी कि आप 1NF भी देख लो, 2NF भी देख लो, यानी 1 नॉर्मल फॉर्म, 2 नॉर्मल फॉर्म, 3 नॉर्मल फॉर्म एंड बेसिस कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ऑल एंड इंडेक्स भी देख लो। ऊपर मैंने बताया कि इंडेक्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं फ्लेमिंग सारे देख लो। एंड उसके बाद ये है, इसको भी देख लेना, एप्लीकेशन। एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेरीज ये भी देख लेना, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैंने दे दिया क्योंकि मैंने कहीं देखा था। एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सीरियल्स एज द इंडेक्स सीक्वेंस फाइल। जितने भी सीक्वेंस फाइल्स हैं उनको भी आप देख लेना, क्योंकि सीक्वेंस फाइल को ये डिस्क्राइब करना है टाइप्स में, जैसे इंडेक्स हो गया, यू नो, और बहुत चीज़ें। चेक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बारी हर एक यू नो एक एग्ज़ाम को छोड़ के दूसरे एग्ज़ाम में आ गया तो फिर थर्ड वाले में नहीं आएगा, थर्ड को छोड़ कर फोर में आता है। मतलब एक एक छोड़ के ये हमेशा चेक पॉइंट पूछता है, इस बारी का भी चांस है कि पूछेगा, ठीक है। एंड एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज याद कर लेना डेटाबेस का। एंड एक और बात कि इसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, आप लोग ऐड कर लेना, कि इस क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रोल क्या है, ठीक है। रोल क्या है, कॉम्पोनेंट्स क्या है, इन दोनों मैंने भूल गया, मैंने तो आप लोग ऐड कर लेना। व्हाट इज़ SQL ये भी आप देख लेना, जगह मैंने ऊपर बता रखा है, इसके फ्यूचर्स देख लेना। फिर डेडलॉक देख लेना, डेडलॉक भी इम्पॉर्टेंट है, भी दो सेमेस्टर छोड़ के देता है एग्ज़ाम में, मतलब दो बार एग्ज़ाम हो गया, एक बार दिया तो दो एग्ज़ाम छोड़ के फिर नेक्स्ट वाले में देता है, फोर्थ वाले में, वो भी देख लेना। और ये टू फ्रेज लॉकिंग एंड टू फेज कमेंट भी देख लेना, कमिट है शायद कि कमेंट है, ऐसे कुछ है। क्लीनेट सर्वर पोर्टिंग कंप्यूटिंग भी देख लेना। कंसेंस इन डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी इज नथिंग बट डेटा डिक्शनरी इज इंफॉर्मेशन कलेक्शन, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है, उसको डेटा डिक्शनरी कहते हैं। डिकम्पोजिशन एंड रोल बैक, रोल बैक इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट मैंने दे रखा क्योंकि मैंने कहीं देखा था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेन 1 to 8 नंबर। 1 to 8 मीन्स वॉट, ये वाला सीक्वेंस फाइल, सीक्वेंस क्वेरीज क्या है, ER डायग्राम क्या है, ठीक है। क्वेरी ये जो T2 और सम का है, ये सब मैंने सॉल्व करके देना है। बट आप इस वीडियो को जब इतना सारा लाइक्स कर दोगे तब, और मैं इस जल्दी ही वीडियो लाऊंगी, आप जितना जल्दी आप सर्कुलेट कर दो, इट्स योर चॉइस। सो डिमांड मतलब 8 तक जो है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो मैं उसको कवर करवाऊँगी, ठीक है। सो और मैं ये भी टिप्स दूंगी कि इसको एग्ज़ाम में कैसे कवर करें, क्योंकि डिबेट में सबको लगता है बहुत हार्ड है, बट या हार्ड तो है, बट एक बार जब आप इसके अंदर झांको तो बहुत आसान हो जाता है ये वीडियो, ये DBMS का जो भी चैप्टर्स है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, प्लीज़ घर पर रहें, बाय बाय।